Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aapka kya haal hai? Theek hai. Shukr wali ho. Happy ho. Acha. Acha. To main bilkul theek hu. Theek hai. Ji hai bahut lala. Chaviyelo. Meeting. Toot bhi hai aur bhai bhi hai. Ye hai chalit hai badu. Ye mera toot hai. Ye. Ye mera toot jaari hai. Shahid Iftikhar Akal. Uska ghar. चले आओ ये है इफ्तिकार अंकल है बहुत फुलाला है ये है जी मेरा अव्वल है वो कहते हैं कि इफ्तिकार मेरा भाई है जी मैं जो हमेशा बोलती हूँ भी चलता है बहुत फुलाला है लीव लही लही और मुझे खल लही मालूम ये किधर है इधी मैं का चली जबाई मैं दादा आई मैं जगह चलो अबू ये सदर ज़िया थे जब उनकी बेटी ज़ैन चचा है मैं बिल्कुल इनके चचा के बराबर का हूँ मुझे चचा उनकी तो बहुत प्यार करती है शुरू से ही अब्बू इनके बहुत अच्छे थे मेरी बहुत उनसे फ्रेंडशिप थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो बेनतहा मैं उनसे प्यार करता था कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो मैं उनसे कहता था कि प्रॉब्लम है डेफ लोगों के लिए हमें डेफ लोगों के लिए कुछ करना चाहिए तो उन्होंने फिर इसके लिए ना कहा था कि चले मेरे से जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूँगा मगर ये है कि हम लोगों ने अच्छा मैं अब बात कर रही हूँ ये है अफ्तिकार चाचा और मेरा अंकल है तो चाचा के लिए और अफ्तिकार अंकल उसकी बीवी है बीवी आती है बहुत प्यार करती है मैं जो हूँ ना बचपन से इनको जानता हूँ इनके अब्बू को भी ये छोटी सी होती थी हमेशा अपने अब्बू के साथ रहती थी और मेरे बिल्कुल जो ज़ियाद साहब थे वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह थे मैं उनसे बहुत प्यार करता था वो मेरा भी बहुत प्यार करते थे मेरे से और मैं इनके चचा के बराबर हूँ और ये मुझे हमेशा बचपन से चचा ही कहती है मुझे प्यार करती है मैं आई हूँ और बहुत टाइम हो गई है और लेकिन उनकी पहले कराची भी बोले तो बाहर भी चलो मैं कर चलो मेरा बहुत दिल जाए मेरा मेरा अंकल है मैं कर आई आज ज़ैन हमारे घर आई हुई है और मेरी इनसे बातचीत हो रही है और पूरी मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए आई हैं मेरे पास मैं इनकी बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे इनके अब्बू जो थे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और मेरे स्कूल जो है डेफ सर सैयद स्कूल है यहाँ पे वो वहाँ पे स्कूल इतना ख़ास मतलब उसमें इसी के सारे स्कूलों में पढ़ाइयाँ होती हैं सब जगह अच्छी होती हैं मगर ये है कि अब्बू जो है ना जब वो उस ज़माने में तो बहुत अच्छे स्कूलों का था पढ़ाई वगैरह सब बहुत अच्छी थी हर चीज़ को देखना भरना किसना करना क्या है कह रहे वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं वो अब चीज़ नहीं रही है जो पहले थी अब नहीं है हर बंदा जो है ना अपने अपने स्कूलों में अपने अपने कर रहा होता है जिस तरह जिस तरह लोगों को आता है वो मतलब उसी हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं जाहिर है तो अब ये है कि हाँ कहते हैं डेफ लोगों से इनके अबू बहुत प्यार करते थे बड़े डेफ लोगों का साथ बहुत ख्याल करते थे बड़ी रिस्पेक्ट करते थे उनसे बहुत प्यार करते थे
कह रहे हैं आप नहीं हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, काश इस वक्त वो यहाँ पे होते तो मैं उनके अबू से बहुत लव करता हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार था। अच्छा ये बताओ जी, ये बताओ आप पहला के जी शुरू टीवी पे प्रोग्राम जो बता पूछ रही हैं जैन कि भाई टीवी पे प्रोग्राम आपने कैसे शुरू किया, मैंने कहा कि मैं पहले जो है ना पाकिस्तान में जाहिर है कि बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बड़ी टेंशन हुई है, मैंने बड़ा कुछ फेस किया है सारा, तो उस वक्त मैं जब था उस वक्त मुझे टेंशन नहीं थी, अकेला होता था, मगर जब मेरी बीवी आई है उसने देखा तो सारे लोग हाय गूंगे हैं, ये तो बोलते नहीं हैं, तो सुनते नहीं हैं, लोग मजाक उड़ाते थे, वो समझते थे कि पता नहीं कि डिसेबल लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ ऐसा है, तो मतलब है कि मेरी वाइफ सुनने वाली है, बोलने वाली थी, उसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, तो ये तो इस तरह गुजारा जिंदगी लाइफ इस तरह नहीं गुजर सकती हमारी, तो हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। फिर हम लोगों ने कोशिश की है टीपी टीवी पे कि किसी तरह इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें, तो उस जमाने में जनरल मुजीबुर रहमान थे जिनसे हमें हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमसे कहा था कि ठीक है आप मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर ये प्रोग्राम शुरू करें, तो हमें एक हफ्ता उन्होंने दिया था, मगर एक हफ्ते में शुरू करना भी बड़ा मुश्किल काम था, मगर हमने दिन रात लगाई, मेहनत की और मेहनत करके हम लोगों ने ये काम किया। फिर ज़िया साहब से भी बात हुई, जनरल ज़िया साहब से भी, उनसे भी बात होने का जी ठीक है आप ये प्रोग्राम को शुरू करें, तो हम लोगों ने उसको शुरू किया, तो मतलब उसके बाद से फिर इस प्रोग्राम का नाम नहीं समझ आती थी कि नाम कैसे रखें, फिर बड़ा कोशिश के बाद हमने बोलते हाथ शुरू किया, उसका नाम हमने किया, फिर आहिस्ता 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 वो ये प्रोग्राम माशाल्लाह इतना ज़्यादा लोगों की उस पसंद में आने लगा कि हर लोग पसंद करने लगे, तो फिर ये है कि उससे भी काफ़ी लोगों ने साइन सीखे, काफ़ी चीज़ें हम सिखाते थे उसमें, चीज़ें बनानी, इंटरव्यूज़, कुकिंग्स वगैरह हर चीज़ होती थी, इंटरव्यू सबके होते थे उसमें, बड़ा कुछ हम लोग करते थे, तो काफ़ी अर्सा चला, कोई 10-12 साल चला होगा, तो जहन में बड़ी कोशिश की हमारे साथ, और ये है कि जुनेद भी है, जुनेद अब कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि चले कुछ ना कुछ होता रहे, बात कर रही है ये जुनेद है, जुनेद है, कोशिश करता है बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ डेफ लोगों के लिए कि मैं कुछ कर सकूँ लोगों के लिए, जहन जो है वो देती है मतलब है कि पैसे दे के वीडियो बनाना या कुछ करना, तो ये बड़ी मेहनत कर रही है जहन, अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, खुशियाँ दे, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे अपने मकसद में, और ये है कि ये जो है जुनेद है, ये है एडिटिंग वगैरह करता है, सारा इसके हाथ में है, सारा कुछ ये कर रहा होता है, डेफ लोगों का कुछ भी प्रोग्राम है लाना है करना है, इंटरव्यूज करने है, कुछ भी है, तो ये सारा सिख बता रहा होता है कि मैंने इस तरह करना है। आज मैं इफ्तार के घर आया हूँ और जैन आई है मेरे साथ, अब मैं बहुत खुश हूँ, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या होने चाहिए, मैं आप लोग से बताता हूँ। यूट्यूब के लिए मैं ये प्रोग्राम जो है ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अब सारे ये एक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए हैं लोग, अब ये दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, अब ये दोनों जो है इंटरव्यू के लिए आए हैं, गहरा थैंक यू। तो मैं आप भी दुआ करो कि मैं बाहर कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारा काम रोक लो को हेल्प करो प्लीज, तो आप भी दुआ कर रहे थी, आप भी दुआ करो, और मैं आप भी दुआ दिए, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँ कि मैं बड़ा हूँ, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, खुशियाँ दे, आगे आप चल के कामयाब हों, आपका यूट्यूब प्रोग्राम है जो अच्छे तरीके से चल सके। जैन जो है हमारे घर आई है, हमें बड़ी खुशी हुई है उसके आने की, और ये है कि प्रोग्राम कह रही थी कि मैंने कोई प्रोग्राम शुरू किया है यूट्यूब पे, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसके काम में बरकत अता करे, इसका काम दिन दुगने चौगुनी तरक्की करे, और ये बहुत बुलंदियों पे जाए और खुशियों के साथ रहे, और ये जो भी करे इसके लिए बेहतर हो, और अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा, जहाँ अल्लाह ताला इतनी कामयाबी इंसान को मिली है
पास हुई है, पास अल्लाह ने दी है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा करे और इसके काम में तरक्की अदा करे, आगे 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 बढ़े, लोग सारे पाकिस्तान में दुनिया में इसको समझें कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है और हम भी दुआ गो हैं, बाकी सारे लोग भी दुआ करें इसके लिए, अल्लाह इसको कामयाब करे। कहते हैं अच्छी बात है कि जैन काम कर रही है, जो कुछ ना कुछ कर रही है, घर में वैसे फालतू नहीं बैठी रही, कोई ना कुछ कर रही है, और डेफ लोगों के लिए ये सारा काम कर रही है जो भी है। और ये अच्छा, मैं ये काम करती हूँ, तवक्कल ट्रस्ट, विजिटिंग कार्ड है इनका तवक्कल ट्रस्ट के नाम पे, ये तवक्कल ट्रस्ट है, कोई इन्होंने अपनी NGO बनाई है तवक्कल ट्रस्ट के नाम से, तो इसमें ये काम कर रही हैं अपना, कोई NGO है इनकी। उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो आप लोग देखें YouTube पे तो आपको पता चलेगा कि क्या काम कर रही हैं। अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश होती हूँ कि हर बंदा जो है ना कुछ कर रहा है डिसेबल लोगों के लिए, करना चाहिए। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहार बजाय इवन शुक्रिया बहुत, मैं आप बहुत दुआ करती हूँ, आप जीते अपना ख्याल करें, लंबी लंबी उम्र करें, चला आमीन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी हुई है आप आई हैं, बल्कि आते रहा करें इंशाल्लाह।